खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां पर सवारियां लेकर लखीमपुर से पलिया जा रही प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई, जिसमें बैठी 32 सवारियों में अफरा तफरी मच गई। सवारियों ने किसी तरह खिड़की दरवाजे से कूदकर खुद की जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। इस दौरान आधे घंटे तक पलिया भीरा रोड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जी आपको बता दीजिए कि दोपहर बाद बिजवा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब पलिया बस यूनियन की सवारियों से भरी हुई एक बस दो दो कर जलने लगी। बिजवा चौकी प्रभारी लल्ला गोस्वामी के अनुसार ये बस लखीमपुर से पलिया जा रही थी। बस में 32 सवारियां बैठी थी। लोगों ने बताया कि बस लखीमपुर से चली, उस वक्त बस का इंजन गड़बड़ी कर रहा था, पर बस ड्राइवर उसे ले आया। बिजवा के पास बस के इंजन से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बस रोकी और सवारियों को उतरने को कह दिया। थोड़ी देर बाद इंजन से आग निकलने लगी। सवारियां किसी तरह इमरजेंसी गेट खिड़की दरवाजे से निकलकर भागने लगी। ड्राइवर व सहायक ने पानी डालकर आग बुझाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन तब तक लपटें तेज हो चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह से सवारियों को बचाकर निकाला, लेकिन बस जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड को आने में एक घंटा लग गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। तब तक आधे घंटे पलिया भीरा रूट पूरी तरीके से बंद रखा गया। कितना नजदीक से जूम करके जाए हो ये रोका।